How are you? One more candidate, I'm joining with you, okay? And we'll be participating. Let us see. So, let me add one more participant with us. Her name is Lakshmi and she is going for NVS only. Hello. Hello, Lakshmi. Yes, sir. हाँ नाउ देर आर टू कैंडिडेट्स विद मी ऐसा आपके वहां से शोर बहुत आता है यार ठीक है एहसाम मेरे साथ लक्ष्मी है लक्ष्मी वॉन्ट टू गो इन NVS ओके लक्ष्मी वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ हाँ जी इंट्रोडक्शन दो अपना हाँ लक्ष्मी दो एक और बच्चा आपके साथ जुड़ गया वो भी NVS फिजिकल एजुकेशन टीचर है उसका नाम सुरेंद्र है और वो ग्वालियर से है एंड लक्ष्मी इज फ्रॉम द यूपी ओके कौन से प्लेस से हो लक्ष्मी आप गाजीपुर और सुरेंद्र आप आ चुके हो ओके और मोहम्मद एहसाम हमारा जो पर्सन है ही इज फ्रॉम सुल्तानपुर ओके ओके लक्ष्मी सबसे पहले हम चाहते हैं थोड़ा आप अपने बारे में बताएं जस्ट आपका नेम बताइए हमें सबसे पहले पूरा एजुकेशन आई हैव डन बीपीएस फ्रॉम काशी विद्यापीठ ओके अच्छा मुझे ये बताइए मोहम्मद एहसाम आप भी सुन रहे हो ओके तो मैं यहाँ पर सुरेंद्र को भी चांस दूंगा सुरेंद्र आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सबको ताकि आप ग्रुप के अंदर फैमिलियर हो जाए सबके साथ ओके सर हाँ जी वेरी गुड बहुत अच्छा अब मैं एक मिनट आपको ब्रेक करूंगा मैं मोहम्मद एहसाम को भी चांस दूंगा मोहम्मद एहसाम आप रेडी हो यस सर तो हम थोड़ा सबसे पहले आपके सुल्तानपुर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बताएंगे कुछ सुल्तानपुर के बारे में यस सर बताइए चलिए सर सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट इज अ डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ओके डिस्ट्रिक्ट इज अ पार्ट ऑफ फैजाबाद डिवीजन ओके ऑन द बैंक ऑफ गोमती रिवर ओके कॉमन लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ सुल्तानपुर इज अवधी ओके इट वाज फाउंडेड बाय कुश सन ऑफ रामा राइट सुल्तानपुर हैड अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 364,000 ओके द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन सुल्तानपुर वाज 84% सुल्तानपुर इज कनेक्टेड टू द नियर बाय सिटीज टू द फोर लेन लखनऊ टू वाराणसी ओके 456 and two lane Allahabad to Ayodhya. Right. So, the nearest right. airport to the Sultanpur is Allahabad Airport. The notable people of Sultanpur, Majru Sultanpur, Puri, Indian Urdu poet and Bollywood lyricist. Tirupati Mishra, former Chief Minister of Uttar Pradesh. Okay. मोहम्मद एहसाम को मैंने गर्ल से मिलाया था शी वॉन्ट टू गो इन लाइब्रेरी इंटरव्यू राइट मैं मोहम्मद एहसाम शी वॉज फ्रॉम बिहार हर नेम वॉज प्रिया राइट अब मैं आप लोगों को मिलवा रहा हूँ हर नेम इज लक्ष्मी लक्ष्मी हेलो हाउ आर यू लक्ष्मी आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है फोन को प्लीज अपने पास रखिए आपका फोन आपके फेस के पास नहीं है आपने अगर स्पीकर वगैरह ऑन किया हुआ है तो आप उसको हटा दीजिए पर वॉइस अभी भी स्लो है लक्ष्मी ओके लक्ष्मी तो हम सबसे पहले ये चाहेंगे लक्ष्मी कि आप भी अपने प्लेस के बारे में हमें कुछ बताएं आप बिलोंग कहाँ से करते हैं ठीक है ओके सर मैं हिंदी में बता सकती हूँ हाँ आप बाइलिंगुअल रहिए आप हिंदी में बता सकते हैं नो प्रॉब्लम चलिए बताइए शाबाश ओके सर तो सर आई बिलोंग टू गाजीपुर व्हिच इज आल्सो फेमस फॉर लाटकनवालिस ओके लाटकनवालिस का वहाँ भी एक मकबरा है जो 1824 में बना था और वो उस
लगे थे ओके okay. और गाजीपुर अंग्रेजी शासन काल में ये बहुत महत्वपूर्ण जगह थी और इस या आज भी इस देश को मतलब महत्व दिया जाता है ओके okay. बहुत बढ़िया और यह मकबरा मतलब पर्यटन के दृष्टि से बहुत मतलब काफी फेमस है सर और इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे ओके okay. देखो हम लोग इंटरव्यू के मॉक प्रैक्टिसेस करेंगे अच्छे से ठीक है और बाय दैट टाइम आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से जानना है फिर इंटरव्यू देने की टेक्निक्स वगैरह मैं तुम्हें हाईलाइट कर दूंगा अच्छे से ओके ऑल ऑफ यू रेडी हाँ एक और गर्ल है जो एड ऑन होना चाहती है यहाँ पर टू गर्ल्स हैं मैंने एक गर्ल को तो फोन किया था बट उन्होंने फोन नहीं रिसीव किया एक और गर्ल ने मुझे बोला था कि सर मैं भी उस दौरान आना चाहती हूँ वो हमारी ऑनलाइन स्टूडेंट है तो अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं एक कॉल कर लूँ बच्चों हाँ तो मैं एक कॉल कर रहा हूँ आप लोग दो मिनट के लिए होल्ड रखो बस अपने देखते हैं इफ इट इज पॉसिबल तो वो जुड़ जाएगी हमारे साथ और फिर हम उसको भी इंट्रोड्यूस कर लेंगे राइट हेलो महिमा हेलो हाँ हाँ महिमा महिमा आपके साथ एक लक्ष्मी है शी इज फ्रॉम गाजीपुर और सुल्तानपुर का एक बच्चा है और एक ग्वालियर का है राइट तो सुल्तानपुर के और ये सब बच्चे जानना चाहते आप लोग हेलो बोल दो पहले महिमा को महिमा हाय हेलो हो गई आपकी सबसे भाई किसी का वो म्यूजिक आ रहा है बैकग्राउंड वो म्यूजिक बंद करें आवाज बहुत आ रही है आपकी तरफ से अगर अदरवाइज आपका नंबर काट दिया जाएगा ये वॉइस किसकी तरफ से आ रही है इतनी ज्यादा हेलो हाँ जी ये बैकग्राउंड में नॉइज बहुत आ रहा है किसी की तरफ से वो बंद कर दें महिमा आपकी तरफ से तो नहीं आ रहा नहीं ओके महिमा सबसे पहले तो मैं चाहूंगा आप भी अपने को इंट्रोड्यूस करिए ताकि इन लोगों को मालूम चले द बेस्ट इंट्रोडक्शन वुड यू लाइक टू ट्राई इन योर इंट्रोडक्शन प्लीज यू कैन टेल अबाउट योर फैमिली आल्सो ओके ओके फाइन प्लीज कंटिन्यू हेलो एवरीवन आप महिमा जैन परस्यूइंग एमएससी बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला एंड आई लिव इन श्री गंगानगर राजस्थान हैविंग अ जॉइंट फैमिली ओके इन माय फैमिली माय ग्रैंडपेरेंट्स आर देयर माय ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर माय टू अंकल बोथ आर मैरिड एंड थ्री कजन्स वन ट्वेल ब्रदर मदर एंड फादर ओके व्हाट आर योर हॉबीज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ओके ड्रिंक नॉलेज फ्रॉम व्हेयरएवर इट इज पॉसिबल एंड distributing it whenever it's possible and my strengths are a versatile in nature as well readily available to everyone as a kind behavior okay and my weaknesses are always raising the bar whenever it comes ओके बहुत बढ़िया बात बहुत बढ़िया बात है अब मैं सुरेंद्र को बोलना चाहूंगा और लक्ष्मी को बोलना चाहूंगा आप दोनों जने मुझे सुन रहे हैं लक्ष्मी आप कहाँ हो तो सुरेंद्र की आवाज आ रही है मुझे लक्ष्मी की आवाज शायद नहीं आ रही है तो लक्ष्मी का कॉल आ रहा है मैं एक मिनट उठा लेता हूँ शायद कट हो गया होगा हेलो लक्ष्मी यस सर आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था लक्ष्मी यस सर हाँ महिमा आर यू रेडी महिमा एक्चुअली इन लोगों को न्यूट्रिएंट्स से संबंधित बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सो सुरेंद्र एम आई राइट न्यूट्रिएंट्स वगैरह आपसे पूछा जाता है yes, sir. तो इस तरीके के क्वेश्चंस को मैं ये जानना चाहूंगा सबसे पहले कि न्यूट्रिएंट्स के बारे में आप क्या बताना चाहती हो सबसे पहले तो महिमा बता दे थोड़ा सा फिर मैं हाईलाइट करता हूँ आप लोगों को और मैं अगर ये बोलूँ कि न्यूट्रिएंट्स के प्रकार कितने होते हैं ये क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन टीचर से एनवीएस में बहुत पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन मैं सुरेंद्र से पूछूंगा और लक्ष्मी को इसका नॉलेज हो जाएगा लक्ष्मी रेडी हो आप तो सुरेंद्र आप आंसर दें मुझे इसका हेलो सुरेंद्र न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं
और प्रोटीन को एक्सप्लेन कर सकते हो मिस्टर सुरेंद्र? यस सर, बताइए। प्रोटीन इज मेड फ्रॉम एमिनो एसिड एंड इट कंटेन्स कार्बन, ऑक्सीजन एंड महिमा आप हेल्प करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकती हो, आप कुछ करना चाहो तो। हाइड्रोजन कार्बन, इट इज मेड अप ऑफ कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ H2O। ओके, नाइट्रोजन टू आर आल्सो प्रेजेंट इन प्रोटीन। ओके, एसाम भी केमिस्ट्री का है, एसाम वांट टू गो इन KVS, तो मेरे ख्याल से एसाम को भी अच्छा नॉलेज होगा इन चीजों का, तो नाइट्रोजन वगैरह, इज इट राइट एसाम? यस सर। हां, तो आप क्या कहते हो इनके बारे में, प्रोटीन्स वगैरह के बारे में? Proteins is the basic building unit of the life. Okay. It is a fundamental unit of the life for the growth and development. Right. It is made up of the, when the amino acid and amino acid are combined together by the amide linkage. Okay. There between the linkage between the amino acid and amino acid. Okay. Because the protein is made up of the amino acid. Amino acid is the elementary or starting unit of basic building unit of the protein. It's okay. Constituting is when the amino acid combined, and there will be the formation of long chain polymer is formed, that is called as the protein. Okay. Which are necessary, very very necessary. 20 types of amino acids are present in the human body, present in all 20 types, 10 are essential, 10 are non-essential. Very good. Lakshmi, knowledge अच्छा है एसाम को? Yes, sir. हाँ, और महिमा की क्या राय है about एसाम? He is knowledgeable person? Yes, sir. Yes, yes. Mahima, he is having a very good experience. Okay, sir. But among all of you, Mahima is having a very good communication skills. So, मैं चाहूँगा Mahima से कुछ questions put up करने ताकि आप लोगों को भी knowledge हो कि best answers कैसे दिए जाते हैं. तो Mahima, मेरा first question है आपसे that why should I select you only? There are so many candidates waiting outside for the same job. तो आप में ऐसा क्या है जो बाकियों में नहीं है? तो मैं आपको क्यों select करूँ? Yes, sir. I know that I'm the one standing. I'm like the one standing others in the queue, but I assure you that I always raise the bar and I do the work with my 100%, okay. With my honesty. Right. I will never let you down. Okay. And you can even state I'll justify your selection with my hard and sincere works, right? And if you are having experience like Assam, कितने साल का experience आपको teaching का? हेलो, शायद मेरी आवाज एसाम तक नहीं पहुंच रही है, तो एसाम आर यू लिसनिंग? मैं कह रहा हूं आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है? थ्री एंड हाफ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, नियर अबाउट 4 इयर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। और अब थोड़ा लक्ष्मी की तरफ जाते हैं। भाई लक्ष्मी, आप कैसे हो? भाई आप लोगों को बता देता हूँ, लक्ष्मी ने हमें कल ही ज्वाइन किया है, इसलिए लक्ष्मी थोड़ी शाई गर्ल है। महिमा और लक्ष्मी इज कंफर्टेबल मोर विद हिंदी। तो मैं सबसे पहले तो लक्ष्मी के परिवार के बारे में जानना चाहूंगा। लक्ष्मी, अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताओ हमको। ओके सर, एक्चुअली मेरे फैमिली में अभी हम 3 जन हैं सर, और मेरे भाई जो है वो बिजनेसमैन है, और मेरी मम्मी जो वो हाउसवाइफ है सर। ओके, और आपके ब्रदर जो बिजनेसमैन है, तो आपका मन नहीं किया बिजनेस की तरफ जाने का? NBS की तरफ ही क्यों ज्वाइन किया? एक्चुअली मुझे टीचर बनना है सर, तो इसके लिए मैंने NBS। ओके, सुरेंद्र से हम पूछेंगे। सुरेंद्र, आपने NBS की तरफ क्यों रुझान किया? व्हाट इज द रीजन कि आपने नवोदय की तरफ ही क्यों रुझान किया? सर, मैं अपने भाई से मोटिवेटेड हूँ। मेरा भाई भी नवोदय विद्यालय ग्वालियर से पास आउट है, और आज वो MP डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स ऑफिसर की पोस्ट पर, नीमच डिस्ट्रिक्ट में। नीमच में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार। जी सर, उनसे मुझे प्रेरणा मिली थी इस फील्ड में आने के लिए। ओके, और वो भी नवोदय के स्टूडेंट रहे हैं, तो उनके बाद उन्होंने BPED किया LNIP से, एंड नाउ ही इन स्पोर्ट्स ऑफिसर। ओके, हमने रिसेंटली एक लाइब्रेरियन का इंटरव्यू लिया था, इसमें जो इंटरव्यू हमने एक आर्ट्स कैंडिडेट का लिया, लाइब्रेरियन का लिया, अब हम जो फिजिकल एजुकेशन टीचर का ले रहे हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आप फिजिकल एजुकेशन टीचर क्यों बनना चाहते हो? व्हाट इज द रीजन? हाँ मिस्टर सुरेंद्र, यू कैन आंसर वेल। हाँ जी सर, जब मैंने नवोदय विद्यालय में एडमिशन लिया सर, ओके, तो पहले ही दिन मैं स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड था पहले से, तो मैं पहले ही दिन जाते ही खेल मैदान पर पहुंचा, और सर वहाँ पे खेल के स्पोर्ट टीचर PT
सर से मिला okay. तो उन्होंने मेरी पर्सनालिटी को देखते हुए कहा बिना इंट्रोडक्शन लिए कि पहलवान कल से आपको आना है प्रैक्टिस शुरू करो, तो ये मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक था मुझे कि मेरा बिना मेरे बारे में जाने उन्होंने मुझे ऐसा कहा। तो अगले दिन से ही मैंने अपनी तन और मन से पूरी प्रैक्टिस शुरू कर दी और मैं सोच लिया फिर इसी फील्ड में जाने की। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महिमा, व्हाई यू ऑप्टेड साइंस एज योर करियर, व्हाट इज द रीजन, बायो ही क्यों ऑप्ट करा आपने, मतलब इस तरफ ही क्यों रुझान किया? सर एक्चुअली आई ऑलवेज वांट टू सर्व द नेशन, टेकिंग द न्यू टेक्नोलॉजी राइट, सो दैट द सोसाइटी गेट बेनिफिटेड, ओके, दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड द साइंस स्ट्रीम, ओके, सो आई हैव टू गो इनटू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड एंड सर्व द नेशन एज मच एज आई कैन। ओके, एंड महिमा व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अस, because this is a very common question which can be asked in any interview. Sir, expectations are the salary amount which matches my skills, okay, and which fulfills my desire also and motivates me to do work as much as possible as okay. I can. Okay. Recently, Assam has sent me his biodata and I found there were, it was almost best, some loopholes which I told him. But the only thing which I found in you is your good communication skills, जिसकी वजह से जो आपका जो selection है वो 100% होगा। और मैं आप मेरी जो महिमा student है भाई, इसकी communication skills की बहुत तारीफ करता हूँ हमेशा। Okay students, और बहुत अच्छी बात ये है कि when I'm asking questions, whether she know or doesn't, मतलब इसने कभी किया हो नहीं किया हो, she's trying her best। तो महिमा मेरा आपके next question है कि you are a very competitive girl. So can you prove that you are a competitive personality? Can you prove this thing to us? Yes, sir. How? Looking to my CV and my past, okay, it clearly shows that I'm a competitive personality who okay. always believes to raise the bar. Right. I'm giving the best as much as I can okay. to the responsibilities or the things which I'm facing today. Okay, very good. And if I asked you that although you are giving this interview and you don't have any experience, you are a fresher personality, so we are usually taking experience, so at that moment what you will say to us? Sir, I respect your decision. Yes, I know experience is quite necessary, but I'm a fresher. If you will give me a chance, I will definitely compete with that experienced one okay. to give the best result. ओके ओके लक्ष्मी, आप आंसर सुन रहे हो इनके? Yes, sir. और एसाम और सुरेंद्र आप लोग भी सुन रहे हो? Yes, sir. ठीक है भैया, पटियाला में रहे तो फिर पटियाला के बारे में कुछ स्पेशल बताइए हमको, क्या स्पेशल है पटियाला में? सर, पटियाला देयर इज अ रेनॉन मंदिर, काली माता मंदिर, ओके, एवरीवेयर, ओके, and there is a gurdwara also, namely Dukhniwaran Gurdwara. Okay. It was assumed that it's a myth. I don't know whether it's a myth or a reality, but I call it a myth that whatever we desire there, okay. we get it from the God. Okay, very good. Mahima, you are a, I want you to ask some chemistry question from Mohammed Issam. कोई केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन पूछो आप, क्योंकि ही इज अ केमिस्ट्री लेक्चरर, सो मैं चाहूंगा कि ये बहुत फ्लरिश हो, इसका जो ये मैं केवीएस का जरूर इसको मिले, तो आप, मैं चाहूंगा एक क्वेश्चन आप पुट अप करो इनसे केमिस्ट्री बेस्ड, पूछिए। हु इन्वेंटेड द पीरियोडिक टेबल, बताइए मिस्टर एसाम। यस सर, क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। हाँ, नहीं सर, एक चीज मैं कहना चाहूंगा। हाँ जी, आपको मिलकर पढ़ाई करनी है तो आप बात करो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूछो क्वेश्चन, क्या पूछना चाहते हो उनसे? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी, कंटिन्यू। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो केमिस्ट्री फॉलो करती है, कि जो पीरियोडिक टेबल की जो स्टार्टिंग हुई है, हाँ जी, फ्रॉम द लैबोजियर टू मेंडेलीव, तो आई एम आस्किंग
asking the question ki which type of periodic table, modern periodic table, long form of the periodic table, or ancient periodic table, or 32-35 element periodic table. There is a lot of scientists are going for invention and creating a periodic table which are necessary for the all the metals and non-metals and metalloids. The first periodic table that is the 15 element periodic table that is discovered, invented by the Newton. Then after the discovery of the elements, then octet rule and octet scientists are discover the octet type of periodic table. After the long form of the journey of invention, there is a lot of scientists are contributed to discover or invented the periodic table, just like the long form of the periodic table. There are a lot of limitation and reformation and correction after the scientists are gone. Mendelian periodic table of the long form of the periodic table, which comes under the reformation, and after some time there will be the modern periodic table as soon as well as. And these periodic table have 115 elements at that time, and it is divided into the four blocks: S block elements, B block elements, D block elements, and F block elements, lanthanides and actinides. S block elements have been called as the alkali metal, and D block elements is called as the transition metal. Nowadays there is a long form of the periodic table. Everyone should be know and follow these periodic table, and all of the periodic table will be left out. Thank you, sir. Sorry to interrupt, but I was asking that who invented the periodic table? Then I don't think so. There is need of this much information. Like, firstly, periodic table have 15 elements and so on, octet rule and all. If it was asked, yes, sir. If it was asked that who invented the modern periodic table, then I think you should start from the name of the scientist that is Mendeleev. Mendeleev discovered, and then you could tell about the modern periodic table, that is enough. That was enough. Okay, but Mahima, he has shown his talent to us. It is good that he has tried his best to gain good share good knowledge also. It is good. Yes, that's appreciated. And now comes the Surinder. Surinder, I want you to ask one question from Lakshmi. Lakshmi also want to go in NVS. So Surinder, are you comfortable in asking question? Yes, sir. Please ask. हेलो सुरेंद्र सर, आप क्वेश्चन पूछिए लक्ष्मी से. लक्ष्मी, आप रेडी हो आंसर देने के लिए? यस सर. ओके सुरेंद्र, क्वेश्चन पूछिए जल्दी. अभी आपने क्वेश्चन पूछा था टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट. हाँ जी सर, मैं जानना चाहूंगा कितने प्रकार के होते. तो लक्ष्मी, आप बताना चाहेंगे? हेलो लक्ष्मी, आप बताना चाहेंगे न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स? सॉरी सर, अभी तो मुझे पता नहीं. नो प्रॉब्लम, आप पता कर लेना. मैं महिमा को चांस देता हूँ. महिमा, लिटिल बिट डू यू नो अबाउट न्यूट्रिएंट्स? यस सर, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. वेरी गुड, बताइए इनको जरा अच्छे से. कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर. ओके, हाँ जी, फाइबर. ओके, फाइबर. एक बार मैं चाहूंगा सुरेंद्र को भी. सुरेंद्र, कंफर्टेबल हो सारे सुनाने के लिए? वापस से सुना सकते हो? ओके, वेरी गुड. और सबका अपना अपना रोल रहता है. महिमा, एग्री? यस सर. यस सर, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन लोगों के लिए, वो होता है साइकोलॉजी क्या होती है. तो आप साइकोलॉजी को एक्सप्लेन कर सकते हो क्या मिस्टर? करिए, देखते हैं कितना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं आप साइकोलॉजी को. साइकोलॉजी सर एक यूनानी वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है. साइके इसका मतलब होता है आत्मा, एंड लोगस इसका मतलब होता है बातचीत करना. इसको सर आत्मा संबंधी बातचीत कहा गया था साइकोलॉजी को, लेकिन समय के साथ बदलाव होते रहे
ओके और बाद में इसको मन का विज्ञान कहा जाने लगा, उसके बाद चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा, लेकिन जो वर्तमान है उसका सही परिभाषा सही अर्थ है वो होता है मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना। ओके स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ओके आज मैं आप लोगों को एक लाइब्रेरी स्टूडेंट और एक आर्ट स्टूडेंट से जरूर मिलवाता, बट फोन डिस्कनेक्ट हो गया स्टार्टिंग में और बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी नेटवर्क में, तो और बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज़्यादा आ रहा था उनका वॉइस, तो आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ये इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं चल पाता, तो मैंने उनको एक बार कैंसिल कर दिया। और लाइब्रेरी इंटरव्यू हमने जो लिया है वो उसका मैं आपको पार्टिसिपेट करवा दूंगा साथ में, ठीक है। अब मैं ये पूछूंगा सुरेंद्र से कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होती है, बताएं मिस्टर सुरेंद्र। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी रिलेटेड है स्पोर्ट्स सर, खेल के दौरान सर या खेल के बाद जो खिलाड़ी होते हैं विद्यार्थी होते हैं उनको अनेक प्रकार की मानसिक स्थितियों का सर सामना करना पड़ता है, जैसे मैच चल रहा है मैच के पहले या बाद में हार का जीत की स्थिति आ जाती है तो उनके जो शरीर जो मानसिक प्रभाव पड़ता है तो उससे। हाँ जी बता रहे, अच्छा बता रहे, आप रुकते क्यों बीच में। तो ऐसी मानसिक स्थितियों का अध्ययन करने के लिए सर वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कहते हैं। ओके लक्ष्मी मैं आपसे पूछूंगा हेल्थ को डिफाइन कर सकती हो आप, हेल्थ का मीनिंग क्या होता है? यस सर बताइए। सबसे पहले सर अगर हेल्थ का मतलब होता है कि सबसे पहले हाइजीन एंड फिट एंड फाइन। ओके तो राइट सर हेल्थ का मतलब है कि सर टाइम टू टाइम एंड उसको फॉलो करना, कैसे मुझे न्यूट्रिएंट्स और कैसे मुझे अपने वर्क के अकॉर्डिंग कैसे मुझे डाइट लेना है, तो उस पे डिपेंड करता है सर। ओके और व्हाट अबाउट महिमा, महिमा आपकी क्या राय है अबाउट हेल्थ, व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? हेल्थ इज एन इंडिविजुअल हैविंग ओके और सुरेंद्र व्हाट अबाउट यू अबाउट हेल्थ? हेल्थ इज अ कंप्लीट वेलबीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल मेंटली फिजिकली एंड सोशली, इट इज नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज। हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से मानसिक रूप से एकदम सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है उसी को स्वस्थ कहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई मतलब रोग रहित शरीर है या उसकी कोई बीमारी नहीं है तो उसको हम स्वास्थ्य कह सकते हैं, बल्कि इसको सामाजिक रूप से मानसिक रूप से एवं वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जो भी मैं आपसे बातें पूछ रहा हूँ उसके अंदर कई बार बहुत सी प्रॉब्लम आती है मॉल न्यूट्रिशंस की, तो मॉल न्यूट्रिशन से आप क्या समझते हो मिस्टर सुरेंद्र बताइए। बिल्कुल बच्चों को प्रॉपर भोजन में पोषण नहीं मिल पाता है, उसकी कमी से कुछ बीमारियां उत्पन्न होती है। ओके ओके ये भाई बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू हो गया किसी की तरफ से, तो प्लीज उसको बंद रखें आप। ओके मैया महिमा आर यू कंफर्टेबल विद द आंसर्स? सो आई वांट टू आस्क यू महिमा दैट व्हाई डू यू वांट टू वर्क एज डूइंग अ जॉब, यू कैन ऑप्ट अ बिजनेस ऑल्सो, so for a girl why it is necessary, why do you want to do job in your life, you can opt business also, so what are your views about it? So by opting the job it's a part of learning, okay, and gaining a knowledge from right. many of the person or many of the individuals, okay. as in a job leadership qualities and team spirit qualities are required, yeah. and I'm having those skills, so I want to work with many individuals. Okay. Hello. Working as a part of organization. Okay. So you like to work in a team and with people and you want a competitiveness, right? Yes. But you know for job, you may be सेंड एट एनी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, इवन लक्ष्मी को भी पता नहीं इंडिया के कौन से कॉर्नर में भेज दिया जाएगा, तो लक्ष्मी आपकी क्या राय है और महिमा आपकी क्या राय है इस बारे में? सर आप वेरी फॉन्ड
travel the world, to travel to each and every corner of the world. Okay. So it will be quite enthusiastic as well as motivating for me to travel around the world and working for an organization. Very good. एंड व्हाट अबाउट लक्ष्मी, अगर अलग किसी कॉर्नर में भेज दिया एनवीएस वालों ने तो आप कैसे मैनेज करेंगे अपने आप को? हेलो लक्ष्मी, आपकी वॉइस बहुत धीरे आती है हमको। यस सर, अगर सर मुझे कहीं से भी भेजा जाता है तो मैं हर सिचुएशन में अपने आप को हैंडल करना मतलब जानती हूँ और हैंडल कर सकती हूँ सर। ओके, तो यानी कि आप रेडी है कहीं भी जाने के लिए? Yes, sir. भाई आप चारों में पांचों में अभी भी ना कुछ वॉइस आ रही है बैकग्राउंड की, तो वो वॉइस या तो बंद कर दो वरना आप फ्री हो जाओ और मुझे इंटरव्यू लेने दो। अगर किसी कोई कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बंद कर दीजिए अपना फोन, आपके वहां से आवाज नहीं आनी चाहिए बैकग्राउंड में। चारों ने सुन लिया? ओके चलिए अब मैं लक्ष्मी से ही पूछूंगा। लक्ष्मी, यू आर अनमैरिड राइट? तो इंटरव्यूअर आपको बोलेगा, मैडम आप जॉब के लिए मान लीजिए आप आते हैं पर आने वाले टाइम में आपकी मैरिज होती है, आपके इन लॉज अलाउ नहीं करते इस जॉब को, तो क्या आप एनवीएस को छोड़ दोगे, नवोदय विद्यालय को छोड़ दोगे आप? नो सर, एक्चुअली मैं एनवीएस को कभी नहीं छोड़ सकती और मेरा ये शुरू से एक हॉबी है, सपना है और मतलब एनवीएस ज्वाइन करने का, तो उसको मैं नहीं छोड़ सकती हूँ और मैं खुद मतलब इंडिपेंडेंट मतलब महिमा तुम्हारे हिसाब से? I'm asking, suppose you get married and your in-laws won't allow you to do job, then what will you do? Sir, I'll try firstly to convince them. Okay. As doing job is not a bad thing. Okay. It's a helping hand to the family. Right. And I wish they'll agree to me and allow me to do the job. Right. Still, if in case if they don't allow me, then I prefer the job because independence is not a bad thing. I agree with you. And moreover, girls, you can even say that, sir, working women is in demand nowadays, sir. Yes. Right? And definitely, when my parents have spent so much on me, they will search a right match, isn't it? Yes. And nowadays, people are having broad minds, so they don't think such things nowadays, isn't it? Yes, sir. Yes. Exactly. What about you, Assam? Sayyabad? ऐसा अगर आपको भी इंडिया के किसी कॉर्नर में जॉब मिल जाए, जैसे मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो केवीएस एनवीएस और एपीएस में गए हैं मगर बहुत दूर दूर गए हैं, यहाँ तक कि शिलोंग और बहुत जगह गए हैं, यानी कि स्टूडेंट्स में नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत गए थे क्योंकि जॉब्स उसमें आई थी, तो कल अगर आपको ऐसी जगह मिल जाए तो आप मैनेज कर लेंगे अपने आपको? हाउ विल यू मैनेज, यू आर मैरिड और आपकी फैमिली भी है, और आप किस तरीके से मैनेज करेंगे? Okay. I am an MSc food tech and I have done our job in Alana Limited and PepsiCo India Limited, Britannia India Limited. Okay. So I have a lot of experience about this thing, how I can establish the relationship among others in foreign during my job. So I can have a lot of the idea. I have an eco-friendly and versatile personality. I have addressed all the people and we have now go to all people. There is no problem for that matter. Very good. भाई बताना चाहूंगा, हमारे मोहम्मद एहसाम जब हमारे से तैयारी कर रहे थे टेलीफोन कोर्स, तो उस दौरान एक स्कूल में गए थे ये इंटरव्यू देने के लिए। महिमा आप सुन रहे हो और लक्ष्मी आप भी सुन रहे हो? तो ये जब इंटरव्यू देने गए तो इनका वहां सिलेक्शन हुआ और बहुत अच्छी सैलरी पे इनको पैकेज मिला। तो मोहम्मद एहसाम, तुम्हें ये कोर्स कैसा लगा, ऑनलाइन कोर्स अभी तक? सर फैबुलस है, वंडरस है। ओके। और मेरा ये मानना है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट व्हिच आर गोइंग टू अदर स्कूल्स बिफोर गोइंग इंटरव्यू दे कैन प्रिपेयर फ्रॉम द पीजी क्लासेस एंड आई नो दैट सब्जेक्टिव मैटर एज वेल एज इंटरव्यू क्वेश्चंस यू हैव टू
ऑल कंप्लीट कोर्स आर। और सुरेंद्र को कैसा लग रहा है कोर्स, सुरेंद्र से भी पूछा जाए। मिस्टर एहसाम, सुरेंद्र आपको कैसा लग रहा है कोर्स? हेलो सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ा हुआ है? हाँ सुरेंद्र, कैसा लग रहा है आपको कोर्स? अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है? ओके वेरी गुड। और हमारी लक्ष्मी को तो कल ही, भाई लक्ष्मी ने तो कल ही ज्वाइन किया है, लक्ष्मी का फर्स्ट डे है। लक्ष्मी अभी तक कैसा लगा आपको? ओके, और व्हाट आर द व्यूज ऑफ महिमा? आई वांट योर व्यूज अबाउट पीडी क्लासेस एंड द ऑनलाइन कोर्स। सर आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई जॉइन द पीडी क्लास एंड गेन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड रिमूविंग माय नर्वसनेस एंड हेजिटेशन क्वाइट फार फॉर मी एंड आई सजेस्ट एवरीवन टू जॉइन दिस क्लासेस। ओके आई फाइट फ्रॉम फियर, वेरी गुड एज वेल सर, यू आर क्वाइट फ्रैंक बिहेवियर। Okay. You always help me in every part. Right. So thank you so much, sir, for that. Okay. अब देखो फ्रेंड्स क्या होता है, मैं तुम्हें टिप्स देता हूँ थोड़े इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू के कि देखो जब आप लोग इंटरव्यू दें, अभी तो ठीक है हमारे पास टाइम है, हम तैयारी कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं सारे जने, सुरेंद्र आपको भी आवाज़ आ रही है मेरी? Yes, sir, yes. हाँ, अब मैं जो टिप्स दे रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए क्योंकि वो टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो जब हम इंटरव्यू दें तो हमारे एक्सप्रेशंस बहुत मैटर करते हैं, वो मैं आपको लाइव क्लास यानी जब फेस टू फेस करेंगे ना, जो जूम ऐप वगैरह के थ्रू जो मैं इंटरव्यू लूंगा तुम लोगों का, तो उसके थ्रू अपने या व्हाट्सअप इवन अच्छी चल जाता है, स्काइप ही चल जाता है, तो अपने जिससे भी पॉसिबल होगा एक्सप्रेशंस बहुत मैटर करता है, आपका एक्सप्रेशंस ही आपको सक्सेस दिलाता है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, राइट? हाँ लक्ष्मी अभी नई है और लक्ष्मी के मैंने एक्सप्रेशंस चेक किए थे अभी, जो लक्ष्मी अपनी तरफ से आंसर दे, थोड़ा डरा डरा महसूस किया था। लक्ष्मी एम आई राइट और रॉन्ग? तो लक्ष्मी ने मुझे कल कह भी दिया था कि सर मुझे ऐसा लगता है बहुत डर लगता है मुझे, और मेरा डर अब धीरे 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 खुल रहा है। तो ये इट इज़ वेरी नेसेसरी आई कैन से, क्योंकि जब तक हम मोक प्रैक्टिस नहीं करते हम सिर्फ ये देखते हैं कि कैसा चल रहा है और हमें लगता है हम भी तो ऐसा कर देंगे, मगर जब तक हम खुद क्रिकेट नहीं खेलते, क्योंकि पवेलियन में बाहर खड़े होकर कोई भी आदमी कुछ भी बोल देता है, कपिल देव ने बात कही थी, पर जब सामने से बॉल आती है ना तब पता लगता है कि रियलिटी क्या है, राइट? हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज है वो है आपकी मॉक प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस जस्टिफाइड मेंटर के साथ अगर अपने करते हैं तो रिजल्ट आ जाता है, नो डाउट, और अच्छा रिजल्ट आ जाता है। और मोहम्मद एहसाम ने किसी टाइम में हमारी बुक्स मंगवाई थी, फिर ये हमसे बहुत इंप्रेस हुआ कि सर ये जो बुक्स है बहुत अच्छी है, फिर एहसाम ने किसी टाइम में हमसे अभी रिसेंटली कोर्स किया तो बहुत अच्छी रिपोर्ट है एहसाम की तरफ से भी अबाउट पीडी क्लासेस। तो जितनी भी टिप्स मैं अब तुम्हें दे रहा हूँ, एक कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखो। अब मान लो आप सब में, आप सब ने एक बात नोटिस की होगी कि महिमा की इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, एग्री और नॉट? तो ऐसा नहीं है कि हमको इंटरव्यू में इंग्लिश बोलना है तो ही हमारा सिलेक्शन होगा, ये जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना। मगर अगर आप इंग्लिश हिंदी के दौरान कुछ अच्छे इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर देते हैं, कुछ भी वर्ड्स अच्छे यूज कर देते हैं तो हमें बेनिफिट मिलता है, एग्री करते हो? हाँ, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर ज्यादा मैटर करेगी, ना कि नॉलेज। नॉलेज हो चुका है चेक, नॉलेज की बातें आ चुकी हैं, तभी तो रिटर्न क्लियर किया है। अब जो अल्टीमेट पर्पस आएगा वो आएगा हमारा सॉफ्ट स्किल्स, जो बहुत मैटर करता है, उस चीजों को हम ट्रेंड करेंगे धीरे धीरे। ओके गर्ल्स एंड बॉयज, ओके, सो आज जो मेंबर रह गए हैं मैं कोशिश करूंगा मैं उनको करवा देता हूं, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आप में से लोगों को ले लूंगा, बट द थिंग इज कि हम लोग सारे दिन टच में रहेंगे, कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे और अपने आप को अपडेट करते रहेंगे, इजंट इट? ओके, सो ओके लक्ष्मी, अच्छा लग रहा है लक्ष्मी को, गाजीपुर गर्ल, अभी कहां हो आप इस समय? कहां पर? गुजरात सूरत में हो इस समय, तो ये टेक्नोलॉजी की देन है कि हमारी जो स्टूडेंट है वो चाहे गुजरात में हो चाहे केरल में हो हमसे जुड़ चुकी है, राइट? और सुल्तानपुर बॉय भी हमारा एंजॉय कर रहा है क्लास को, ठीक है दोस्तों? ओके मिस्टर सुरेंद्र, ओके सुरेंद्र इज फ्रॉम एमपी ग्वालियर, राइट? सुरेंद्र आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम इंदौर, यूर एमपी ओनली, इट्स अ गुड प्लेस।
और महिमा को भी बेस्ट विशेस फॉर हर इंटरव्यू. ओके महिमा. यस थैंक यू सो मच. ओके एंजॉय योर बेस्ट. बाय बाय. सो स्टूडेंट्स अब सबसे बड़ी बात आती है जो मैं हमारे दोस्तों से बात करना चाहता हूँ, जो मेरे व्यूवर्स के से बात करना चाहता हूँ. ये 40 मिनट का अगर आपने इंटरव्यू सेशन देखा तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपने नोटिस करा वो ये किया कि महिमा की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी. लक्ष्मी ट्राई अप कर रही है मगर आप जानते हैं कि लक्ष्मी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है. तो क्या लक्ष्मी का सिलेक्शन कम चांस है? नहीं, ऐसा नहीं. चांस ज्यादा है उतना है कोई मैटर नहीं करता. मैटर ये करता है लक्ष्मी में जुनून कितना है, पैशन कितना है. लैंग्वेज नहीं आती कोई बात नहीं, आज नहीं आ रही ना, कल अगर मैंने क्या बोला कुछ शब्द भी अगर इंग्लिश के यूज कर लेगी और अच्छा सा अच्छा इंटरव्यू दे देगी तो आई डोंट थिंक शी विल नॉट फ्लरिश, शी विल फ्लरिश. तो इंपॉर्टेंट ये रहता है कि हम लोग जब इंटरव्यू देते हैं उस दौरान हम बोलते कर जो टेक्निक है हमारा, जो हमारे जो एक्सप्रेशंस है, जो फेस एक्सप्रेशंस है, सबको देखने का जो वे है, विश करने का वे है, बॉडी लैंग्वेज का जो वे है, हर चीज मैटर करती है. तो मेरे जितने भी लवेबल्स हैं वो सब टेलीफोन कोर्स ऑनलाइन कोर्स एंजॉय कर रहे हैं. फेस टू फेस भी इंटरव्यू ले लेते हैं, बार बार प्रैक्टिस करा लेते हैं, दिन भर उनको ऐसा लगने नहीं देते कि वो थोड़े पढ़ नहीं रहे हैं. उनको ऐसा लगता है कि उनकी क्लासेस चल रही है, वो बिल्कुल मनोज के सामने ही बैठे सारा दिन मेरे सामने कुछ ना कुछ चलता रहता है उनके लिए एक्टिविटी. सो एंजॉय योर डे और बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू, लव यू लॉट.